दोस्तों नमस्कार। आज हम दिखाने वाले हैं कि जो मिसिंग की प्रॉब्लम है और मिसिंग की प्रॉब्लम किस टाइप से और कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है, तो क्लासिक ये 2013 या 14 का मॉडल है, 13 या 14 के आसपास का मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम है, मिसिंग की प्रॉब्लम है किस टाइप से और मिसिंग की प्रॉब्लम आती कैसे है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके साथ इस टाइप का कुछ होता है तो आप समझ जाइए कि ऐसे में सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक कराना है। जब आप सुबह या दिन में स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो रेस लेते हैं तो झटके लेती है गाड़ी, मतलब रेस थोड़ा नॉर्मल स्पीड में चला तो अचानक झटके लेगी और फिर ज़्यादा एक्सेलरेटर लो तो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, स्पार्क प्लग दोनों चेक कराना है और कार्बोरेटर चेक कराना है। अभी हमारी गाड़ी जैसे नॉर्मल आइडलिंग आरपीएम है, ठीक है, तो जैसे हम इसका एक्सेलरेटर लेंगे तो झटका लेगी गाड़ी, झटका लेती है 350 सीसी में। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, जो 350 सीसी होती है उसके अंदर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले कार्बोरेटर खोल के चेक करना है। मैं एक बार आपको कार्बोरेटर खोल के दिखाता हूँ और इसके अंदर कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है उसको देखते हैं ज़रा। तो कार्बोरेटर बाहर निकालने के लिए हमें एक एलंकी चाहिए होती है 4 नंबर की। इसके बाद हमें ये स्क्रू को ढीला करना है। ठीक है, जब ये ढीला, खाली ढीला करना है और उस साइड से पेट्रोल पाइप बाहर निकाल देना है। स्क्रू ड्राइवर से इस पेज को ढीला करना है, ऐसे करके आप आराम से ढीला कर देंगे और जब पाइप बाहर निकल जाएगा आपका, निकल गए, फिर कार्बोरेटर को पीछे की साइड को ऐसे पुश करना है। देखिए ये, ठीक है, यहाँ से निकाल देना है और ये देखिए ये कार्बोरेटर बाहर आ गया। और इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर का बोल्ट है, एडजस्टर बोलते हैं इसको, इसको ऐसे आराम से खोल दें। और ये एडजस्टर निकाला और वायर को इसके पास से राउंड लेके और ये कार्बोरेटर बाहर हो गया। ठीक है, अब इस कार्बोरेटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए ये स्लाइड होता है इसका, या वाल बोल सकते हैं, वाल बोलते हैं इसको, या स्लाइड बोल सकते हैं। तो ये जैसे हम थ्रॉटल खींचते हैं तो ये ऊपर को उठता है ऐसे, पर मैं आपको इधर से दिखाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर आप अंदर की साइड देखेंगे तो सफ़ेद वाइट हो गया है बिल्कुल। मैं एक बार इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ और दिखाता हूँ अंदर से जो क्या प्रॉब्लम आ रखी है, जो मिसिंग एक्चुअल में करती कैसे। देखिए इसके अंदर ये स्प्रिंग और कैप है और ये होता है इसका वॉल और इस बीच में स्लाइड। तो इसको हमने बाहर निकाला और देखेंगे ये स्लाइड यहाँ से कट जाता है। ठीक है, स्लाइड कट जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है, जब स्लाइड कट जाता है तो इसके यहाँ पर ये एल्युमिनियम बॉडी होती है तो यहाँ पर कट जाती है तो ये अंदर फंसता है, ये ऐसे फंसने लगता है, उठेगा नहीं, मतलब नॉर्मल बिल्कुल फ्री काम करना चाहिए। जब ये कट जाएगा तो फंसने लगता है, अटक जाता है तो मिसिंग प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या आप खाली ये इसको स्लाइड को डाल सकते हैं, इसको वाल बोलते हैं, ये आपको 800 कुछ रुपये के आसपास मिल जाएगा। पर इसे डालने से क्या होगा, आपका कुछ टाइम गाड़ी चलेगी, महीना डेढ़ महीना ठीक चलेगी, सेम प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ये स्लाइड कटता है तो बॉडी भी कट जाती है, ये एल्युमिनियम बॉडी होती है ना, ये भी कट जाती है। अगर मैं एक बार दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि देखिए यहाँ पर आप स्पॉट देख सकते हैं, अंदर की साइड से निशान आ गए और इधर साइड में नहीं है। देखिए इधर साइड से क्लीन है, इधर की साइड से देखिए बॉडी कट गई है यहाँ पे। तो अगर आप ये खाली स्लाइड डालते तो आपके 800 रुपये तो गए, पर कुछ टाइम के बाद दोबारा प्रॉब्लम आएगी और उस टाइम कार्बोरेटर नया डालना पड़ेगा। तो ये 2600 रुपये के आसपास कार्बोरेटर पूरा नया है। ये 2600 रुपये का पूरा कार्बोरेटर है और इसे डालने के बाद आपकी माइलेज भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ब्रांड न्यू कार्बोरेटर हो गया है और स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी, पिकअप नॉर्मल अच्छा हो जाएगा। तो आप 800 रुपये डाल के कुछ टाइम के लिए ठीक करना चाहते हैं या ओरिजिनल डाल के, मतलब लॉन्ग टाइम है ये, कम से कम 2.5 से 3 साल चल जाता है अगर इसकी मेंटेनेंस अच्छे से रखें, कार्बोरेटर को टाइम टू टाइम सफाई
या गंदा पेट्रोल ना डालें। एक बार मैं खोल के दिखाता हूँ इसको कि कार्बोरेटर अंदर कैसा होता है। और देखिए BS-29 मतलब जो क्लासिक और थंडरबर्ड इलेक्ट्रा जितने भी ये BS-4 मॉडल हैं और UC इंजन है उसमें BS-29 कार्बोरेटर लगता है। तो यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं। अब ये रहा इसका कार्बोरेटर, ऐसी पैकिंग में आता है और ये कार्बोरेटर के अंदर एक जगह लिखा रहता है UCE, मतलब इस इंजन के लिए बना रखा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो UCE लिखा है और BS-29 यहाँ पर इसका नंबर मॉडल नंबर लिखा जाता है। देखिए BS-29, बाकी इसका सीरीज नंबर कुछ होगा। और ये कार्बोरेटर रहा, तो इसको जल्दी से फिट कर देते हैं और आगे फिर देखते हैं स्टार्टिंग और बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा वीडियो पूरा बन गया है कार्बोरेटर कैसे फिट किया जाता है आपने देखा। और मेक श्योर आपका जो डाउट है क्लियर हो चुका है कि कार्बोरेटर से मिसिंग की प्रॉब्लम कैसे आती है और कहां पर क्या चीज़ कटती है, ठीक है। और उससे भी पहले आप एक बार अगर मिसिंग है तो सबसे पहले स्पार्क प्लग चेक करें फिर कार्बोरेटर चेक करें, दो ही चीज़ के कारण मिसिंग आती है गाड़ी के अंदर, ठीक है। और अब गाड़ी हमने फिट कर दिया है। तो अभी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, ठीक है। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा आपको मैं जल्दी बताइए। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसको अगर चेक करिए, वहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलता है तो ज़रूर बताइए।